काफी सारे स्टूडेंट के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ रहे थे, मैसेजेज आ रहे थे कि सर हमारा जो उत्तराखंड की काउंसलिंग है इसका पूरा प्रोसीजर क्या रहने वाला है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स है जो कि अगर हमने मिस किया तो हो सकता है यार कि आपका जो सीट है वो आपको कैंसिल कर दिया जाए, या फिर जो हमारे टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी जो सीएससी की कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। इसके साथ साथ जो इसका ऑफिशियल पूरा प्रोसीजर है, अगर आपने जेई मेन 2020-22 का एग्जाम दिया हुआ है, आप किसी भी स्टेट से हैं, इंडिया के किसी भी कोने से हैं, आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पूरा सारा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप करके इस वीडियो में हम देखेंगे, जिससे कोई भी स्टूडेंट को इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी उसका डाउट न रह पाए कि हमारा जो काउंसलिंग में है क्या क्या स्टेप रहने वाले हैं, कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है जो फॉलो किया जाएगा। और ये जो मैं आपको बताऊंगा ये पूरा ऑफिशियल 2020-22 का डाटा है और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसके द्वारा मैं बता रहा हूं। इससे पहले यार काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको लाइक अभी इस मोमेंट पे 2023 की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी यार, तो उनके लिए एक इंपॉर्टेंट बात ये है, इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म डेट इज अनअकैडमी आप सभी की जो प्रिपरेशन है 2023 के लिए या फिर 24 के लिए यहाँ पे न्यू बैचेस 1 सितंबर से स्टार्ट कर रहा है, जहाँ पे इंडिया के और आपको कोटा के टॉप एजुकेटर्स मिल रहे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी कई बार टॉप रैंकर्स प्रोड्यूस कर रखा है, उनको कई सालों का एक्सपीरियंस है, तो ये मौका आपको मिल रहा है घर बैठे इमर्ज बैच और एक्सेल बैच के साथ साथ। यहाँ पे आपको हमारा जो कोड है वो BUZZ यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको 20% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके साथ साथ यार जो आपकी ओरिजिनल प्राइस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और डिस्काउंट लगाने यानी कि कोड BUZZ लगाने के बाद जो आपकी प्राइस हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 अगस्त, उसके पहले आप इसको जाकर ग्रैब कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यार आपको कोड BUZZ लगाने पर आपको मेरा जो फ्री मेंटरशिप है वो भी आपको मिल जाता है, बस आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे इनरोलमेंट करने के बाद मुझे शेयर कर देना होता है। इसको जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सो प्लीज गो एंड चेक आउट, यूज कोड BUZZ। देखिए सबसे पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैंने आप सभी के लिए ऑलरेडी 3-4 वीडियो अपलोड कर रखा है आपके डेट शेड्यूल के रिगार्डिंग, और इसकी जो प्लेलिस्ट है वो भी मैंने बना रखा है, तो आप जाकर उसको चेक आउट कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं। और वीडियो को लाइक कर देना यार, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जिससे उनसे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज ना मिस हो पाए, राइट। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं कि यार जो आपकी ऑफिशियल काउंसलिंग की डेट है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन, वो आपका हो रहा होगा 5 सितंबर से लेके आपका 8 सितंबर के बीच में, राइट। यानी कि उसके बीच में ही आपको अपना च्वाइस फिलिंग करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, और आपको पेमेंट करना होगा। जो आपकी काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन फीस है यानी कि जो आपको यूटीयू में पे करना होगा वो 2000 रुपए है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और जो आपकी काउंसलिंग हो रही होगी पूरा, यानी कि जो भी आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा, च्वाइस फिलिंग वगैरह वगैरह चीजें, ये सारा आपको ऑनलाइन ही करना होगा, आप घर बैठे कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए आप चैनल पर, तो मैं आपको सारा चीज दे ही रहा हूँ पिछले कई दिनों से, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट को लगता है यार कि हमें काउंसलिंग में नीड है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जहां पे आपको काफी सारी चीजों को ध्यान में रखनी होती है, तो अगर आपको नीड है तो आप हमारा 1-to-1 पर्सनलाइज काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपके रैंक पर जो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज हो सकता है उसको दिलवाने में डेफिनेटली आपकी हेल्प कर रहा हूंगा, और ये आपका लास्ट राउंड तक वैलिड रहेगा। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप का लिंक है, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं और आप वहां पे इनरोल कर सकते हैं। अभी आपकी जो प्राइस है वो लिमिटेड है, बाद में आपकी प्राइस हाइक कर दिया जाएगा, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यार कि जो आपकी बीटेक की काउंसलिंग हो रही होती है जेई मेन के थ्रू, ये आपका जेई मेन का जो सीआरएल रैंक है उसी के बेस पे आपका होने वाला है, राइट। यानी कि काफी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमारी परसेंटाइल इतनी है, हमारी जनरल कैटेगरी में रैंक इतनी है, हमारा ओबीसी कैटेगरी में रैंक इतनी है, तो हमें कौन सा सीट मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो सबसे पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं यार कि यहां पे आपका जो भी काउंसलिंग हो रहा होगा ये आपका जेई मेन का जो सीआरएल रैंक है, ऑल इंडिया रैंक है, उसी के बेस पे होगा। कैटेगरी रैंक कोई भी मैटर आपका यहाँ पे नहीं करता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले यार, तो देखो सबसे पहले वही है कि बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए आपका जो क्लास 12th है वो आपको पास आउट होना चाहिए, जिसमें आपका पीसीएम होना चाहिए, ये मैंडेटरी है, राइट। इसके साथ साथ अगर हम आपकी जो परसेंटेज की बात करें, तो अगर आप जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो यहाँ पे आपका 45% क्लास 12th में होना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी में अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे आपका 40% जो आपके मार्क्स है क्लास 12th में ये आपके होने चाहिए। इसके साथ साथ यार जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि काउंसलिंग जो आपकी फीस है वो आपका 2000 रुपए ऑनलाइन जमा करना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है, राइट। वो आपको वहां पे YouTube के ऑफिशियल वेबसाइट पे पेमेंट करना होगा, तो ये चीज आप कर लेंगे, आगे फर्दर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी।
बात करते हैं कि यार क्या ये फीस हमें सेकेंड राउंड में फिर से देना होगा। नहीं, आपकी काउंसलिंग टोटल 2 राउंड में हो रहा होगा, उसके बाद स्पॉट काउंसलिंग होगा। तो ये जो 2 राउंड होंगे इसमें आपको बस 2000 रुपए अगर आपने फर्स्ट राउंड में दे दिया है तो आपको सेकेंड राउंड में देने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। बात करते हैं उसके आगे। यार देखो यहाँ पे उसके बाद आता है यार कि आपको अपना च्वाइस फिलिंग करना होगा, कॉलेजेस को सेलेक्ट करना होगा, शॉर्ट लिस्ट करना होगा, फिर उसी के बेस पे यार आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। सेकेंड थिंग इज डैट, यहाँ पे मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि यार यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा होता है एक बार में तो आप जितने भी चाहें वो आप फिलअप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी टेक्निक होती है जिसको ध्यान में रखना चाहिए, जिससे आपके रैंक हो सकता है ज्यादा हो फिर भी आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए अगर आप चॉइस फिलिंग वाइजली करते हैं। और अगर इसमें आपको नीड है तो डेफिनेटली आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, इस बात को आप ध्यान में जरूर रखेंगे, क्योंकि अगर आपके रैंक बहुत अच्छे हैं, अगर आपने चॉइस फिलिंग उल्टा सुलटा कुछ भी ऐसे रैंडमली वहां पे फिलअप कर दिया तो हो सकता है जो आप कॉलेज डिजर्व करते होंगे उस रैंक पे वो कॉलेज आपको अलॉट ना किया जाए। ठीक है, उसके बाद यार देखो आपने ये सब चीज कर लिया, आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह या फिर जो भी आप वहां पे अपना डिटेल दे रहे हैं, मेक श्योर कि वो डिटेल आपका सारा ऑफिशियल हो, जो आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह पे हो, आधार कार्ड पे हो, जिससे यार बाद में आपको एडमिशन के टाइम पे कोई आपको प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यार आपका जो अलॉटमेंट है वो भी यार आपका ऑफिशियल वेबसाइट जो यूटीयू काउंसलिंग की है उसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा, तो मेक श्योर कि उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है utu.admission.nic.in, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जहां पे आप लॉगिन करके चेकआउट कर पा रहे होंगे, और यही से यार आपका सीट अलॉटमेंट भी आएगा। मान लीजिए यार अगर आपका सीट अलॉटमेंट आ चुका है तो फिर यार आपको अपना जो भी सारा डॉक्यूमेंट्स यार जो भी मैंने आपको बेसिकली बता रखा है ऑलरेडी, पर्सनल काउंसलिंग स्टूडेंट को मैंने एक स्ट्रक्चर्ड वो भी भेज रखा है, ठीक है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रखना होगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको जाना होगा, इसके साथ आपके 4-5 एक्स्ट्रा जो फोटोज हैं वो भी आपको लेकर जाना होगा। डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके रहेंगे, जैसे इनकम हुआ या फिर आपका हम बात कर लें डोमिसाइल, वो तो मान लो ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी मोस्टली आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके 1 अप्रैल या फिर उसके बाद के होने चाहिए। सेकेंड थिंग इज डैट यार यहाँ पे काफी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि सर मान लीजिए अगर हमें फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट हो गया तो हम सेकेंड राउंड में जा सकते हैं या फिर नहीं। डेफिनेटली आप जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि सेकेंड राउंड में अगर आपको सीट कोई अलॉट हो गया तो वो आपका फाइनल सीट होगा, फर्स्ट राउंड में जो सीट आपको अलॉट हुआ रहेगा वो सीट आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। राइट, ऑटोमेटिकली वो आपके कैंसिल हो जाएगा, आपको कोई भी वहां पे रिक्वायरमेंट कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी और फिर आप उस सीट को क्लेम भी नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। उसके बाद देखिए अगर आप कोई एयर आर्म फोर्स से अगर बिलोंग करते हैं या फिर आपका लाइक कोई रिजर्वेशन है तो उसकी भी सर्टिफिकेट यार आप अच्छे से बनवा सकते हैं, जिससे आपको उससे रिजर्वेशन मिल रहा होगा। इसके साथ साथ यार अगर आप किसी ऐसे कैटेगरी से आते हैं जिसमें आपको रिजर्वेशन मिलता है, रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, तो भी उसका आप सर्टिफिकेट वहां पे आपको रिक्वायरमेंट होगी आपके एडमिशन के टाइम पे। इसके साथ साथ यार हम बता दें आप सभी को कि यार कि मान लो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट्स जब आपका ऑफलाइन वहां पर रिपोर्टिंग हुआ उस टाइम पे आपको नहीं उपलब्ध करा पाए, राइट, तो वो आपकी जो सीट है वो आपकी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपको रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है, अदरवाइज फिर आपको नेक्स्ट राउंड में आपकी जो सीट है वो खाली होकर चली जाएगी, फिर नेक्स्ट राउंड में किसी दूसरे स्टूडेंट को अलॉट कर दिया जाएगा। तो ये जो आपको टाइमिंग दिया गया है रिपोर्टिंग करने के लिए उस मोमेंट पे जाकर रिपोर्टिंग कॉलेज में करना मैंडेटरी है। बात करते हैं यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट जो पूछते रहते हैं कि सर ट्यूशन फी वेवियर हमें जो स्कीम है या फिर हम बात कर लें TW की जो सीट है वो हमें कैसे मिलेगी, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं यार कि अगर आपका जो ओवरऑल सबसे पहले तो ये चीज है यार कि ये उत्तराखंड के ही बस डोमेसाइल स्टूडेंट के लिए 5% रिजर्वेशन होता है ट्यूशन फी वेवियर सीट में, जो भी आपका टोटल सीट होता है, मान लो अगर किसी कॉलेज में 100 सीट है तो यहाँ पे आपका 5% रिजर्वेशन मिल जाएगा इस ट्यूशन फी वेवियर के लिए। और यहाँ पे आपकी जो आपके पेरेंट के सभी इनकम के जो सोर्स हैं वो लगभग यार आपका 4 लाख से कम होना चाहिए, यानी कि 4.5 लाख से कम है तो आपको ट्यूशन फी जो वेवियर है वो सीट आपको मिल सकता है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होते हैं तो जिसको आप जाकर वहां पे ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको मान लो कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही है तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको नंबर दिया गया है, वहां पर जाकर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जो आपका ऑफिशियल टाइमिंग है वो है 10 से 5 के बीच में, हालांकि मैं तो आपके लिए हूं ही आपके सपोर्ट में, आपकी हेल्प के लिए। तो ये सारा एक चीज था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और उसके बाद आपका आता है यार आपका जो स्पॉट काउंसलिंग, ठीक है,
स्पॉट काउंसलिंग भी आपका आएगा, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्पॉट काउंसलिंग जो है वो आपकी बाद में हो रही होगी, और ये जो आपकी स्पॉट काउंसलिंग होगी तो यहाँ पे काफी सारे ऐसे जो सीट हैं वो वैकेंट हो जाते हैं, तो मे भी आपका रैंक काफी ज्यादा होने के बावजूद भी आपको वो सीटें अलॉट हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप कितना एक्टिव है, आपका लेग भी मैटर करता है इसमें। इसके साथ साथ आप चॉइस फिलिंग जो वगैरह है या फिर आप कितना वेबसाइट वगैरह को आप देख पा रहे हैं, तो ये भी एक पॉइंट होता है। अगर आप एक्टिव रहते हैं तो हर साल ये स्पॉट काउंसलिंग होता है। कई कई कॉलेज में जैसे पंतनगर की बात कर ले या फिर बहुत जगह वो दो दो तीन तीन बार भी होता है, राइट। अब देखो सीएससी की कट ऑफ की बात कर ले अगर हम पंतनगर या फिर टॉप कॉलेज की, पंतनगर की सबसे पहले बात करें जो कि यार हाईएस्ट बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड आती रहती है। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो अप्रोक्स अगर आपके रैंक जो है वो लगभग अगर आपके 60 के या फिर 70 के तक हैं तो आप यार अच्छे से चॉइस फिलिंग करते हो तो मे बी आपको वो सीट अलॉट हो जाए। सेकंड थिंग इज दैट अगर आप ओबीसी में आते हैं तो मतलब आप 70 तक जा सकते हैं। एससी एसटी में आप 80-90 के तक जा सकते हैं, हो सकता है आपको यहाँ पे अगर अच्छे से आपने चॉइस फिलिंग वगैरह किया तो मे भी आपको लास्ट राउंड तक जाते जाते आपको सीईएस मिल पाए। हालांकि वहां पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग है तो ये भी आप बात को ध्यान में रखेंगे, राइट, क्योंकि कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो कि मैंने ऑलरेडी अपने पर्सनल काउंसलिंग के स्टूडेंट को बता दिया, तो अब इसको भी आप जाकर समझ सकते हैं, अच्छे से सर्च कर लेना यूट्यूब पे, तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए। बाकी अगर हम बात करें कि सीएस के लिए ओवरऑल अगर सभी कॉलेज में देखें गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो मिनिमम यार कम से कम 1 लाख के अंदर है तो आपके पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं। डिपेंड करता है यार कि फिर आप कैसे चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, कैसे अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग में, वो बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय।